हेलो बच्चों, आज जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं उसका नाम है कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम बेसिकली इसके अंदर एक स्ट्रिंग होती है जिसके ऊपर एक बॉब अटैच होता है। स्ट्रिंग है, इसके ऊपर एक बॉब अटैच्ड है, एक स्मॉल मास एम अटैच है और ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा जो बाहर की तरफ डायरेक्टेड है। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। एमजी टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एक्ट हो रहा है। हाइट जो इस पेंडुलम की है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर रोटेशन, या फिर ये बोलो कि बॉब की हाइट सीलिंग से जो है वो h है। रेडियस बेसिकली जो सर्कल का है वो r है और ये दोनों परपेंडिकुलर, और इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो l है। फोर्सेस को जरा हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम टेंशन को दो पार्ट में तोड़ेंगे, टेंशन को दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक ये डायरेक्शन में और एक ये डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्योंकि ये एंगल जो है ये सेमी कोनिकल एंगल है, इसको हम सेमी वर्टिकल या सेमी कोनिकल एंगल बोलते हैं, बिकॉज कोन का आधा है वो। क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा बाय अल्टरनेट एंगल्स, एंड हेंस हम लिख सकते हैं कि ये टी कॉस थीटा है एंड ये टी साइन थीटा है। अगर हम इक्वेट कर दे दोनों साइड को, फोर्सेस को इक्वेट कर दे में, तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। क्यों फोर्सेस को इक्वेट कर रहे हैं? बिकॉज जो बॉब है ना तो वो रेडियली रेडियल डायरेक्शन में अंदर बाहर हो रहा है, इसीलिए वो सर्कुलर मोशन है। बिकॉज सर्कल पे जितने पॉइंट्स है सबका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज फिक्स्ड। ना तो वो बॉब ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब ना तो अपने आर को चेंज कर रहा है ना तो अपने एच को चेंज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में वो बेसिकली इक्विलिब्रियम में है। इसको हम वाई डायरेक्शन बोलते हैं, इसको एक्स। तो एक्स और वाई में इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में है तो फोर्सेस कैंसिल करेंगे। इसका मतलब जो अंदर की तरफ फोर्स है वो बाहर की तरफ फोर्स, राइट हैंड साइड में जो फोर्स है एम बी स्क्वायर बाय आर, वो इक्वल है टी साइन थीटा के। ये हमारा इक्वेशन वन। दूसरी बात, जो नीचे का फोर्स है एम जी वो ऊपर के फोर्स टी साइन थीटा टी कॉस थीटा से इक्वल है, इसलिए कैंसिल कर जा रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम से मेरा मीनिंग क्या है कि वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ना कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि बॉडी घूम तो रही है बट रेडियल डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है। एच को चेंज नहीं कर रही तो उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सो हम दोनों को डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग 1/2। क्या मिलेगा हमें? एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा। कैंसिल क्या हो रहा है? एम और एम कैंसिल हो रहा है, टी और टी कैंसिल हो रहा है, और फाइनली हमें मिल रहा है वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन बाय कॉस टैन हो जाता है, और देयर फोर वी कैन राइट कि वी इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा। So, हमें ये मिल गया कि अगर पेंडुलम थीटा एंगल पे रोटेट हो रही है, उसका रेडियस आर है सर्कल का और रिवॉल्व हो रही है, बेसिकली बॉब रिवॉल्व हो रहा है, और वी जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी है बॉब की। सो उसका रिलेशन कैसे है? वी इज इक्वल टू आर जी टैन थीटा। अब मुझे ये पता करना है कि कितना टाइम लगेगा उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, जिसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमें, हम क्या मीनिंग लेते हैं टाइम पीरियड से? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। सो टाइम पीरियड हम टी से डिनोट करेंगे, स्मॉल टी, बिकॉज कैपिटल टी को हमने यूज किया है फॉर टेंशन। टाइम पीरियड इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन रेवोल्यूशन, फॉर वन रेवोल्यूशन कितना टाइम लगेगा आप सोचिए। टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? टाइम को हम स्पीड से कैलकुलेट कर सकते हैं? जी हाँ, हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो फ्रॉम हियर हम बोल सकते हैं कि टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा।
यही फॉर्मूले को हम यहां अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक सर्कल में, 2 पाई आर। स्पीड कितनी है, v। ओके, अब इस फॉर्मूले में हम 2 पाई आर, फॉर्मूले को याद रखना, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है सर्कुलर मोशन में, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय v, हमने v कितना निकाला, हमने v निकाला है रूट आर जी टैन थीटा। अब देख सकते हैं यहां से, सो देयरफॉर टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई आर, अगर आप इसको रूट पे ले लो r को, तो हो जाएगा r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बेसिकली, क्योंकि रूट के अंदर आ गया r g tan थीटा। एक r चला गया, टाइम पीरियड बन गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ r डिवाइडेड बाय g tan थीटा। जरा देखते हैं tan थीटा इसके अंदर क्या होगा। यहां हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट सॉरी, सो tan थीटा r बाय h होता है, हम लिख देते हैं tan थीटा को r बाय h। तो अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला क्या आ गया कैंसिल करने पे, अगर ये r और कैंसिल हो जाएगा तो हमें फॉर्मूला आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ h बाय g, देयरफॉर t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन g। फ्रॉम हियर यू कैन सी कि हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला रेडी है, कितना टाइम लगेगा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, बट वो फॉर्मूला जो है वो एच के फॉर्म में है, हमें एच के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें एल के फॉर्म में चाहिए। सो वो भी हम कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा ले लें तो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कॉस थीटा ले लिया तो कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन विच इज एल एच अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज एल। सो यहाँ से हमें एच हो जाएगा, अगर हमने एल को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो एच हो जाएगा एल कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली हम h की जगह पे l cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो देयरफॉर t इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइडेड बाय g, एंड देयरफॉर हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। यही हमारा फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज l cos 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा बाय g। इसको ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को आप, फॉर्मूला बता रहा है आपको कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना बड़ी लेंथ रहेगी उसकी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, इसका मतलब जितना ज्यादा जी उतना कम टाइम लगेगा। सो ये प्लैनेट अगर यही सेम कोनिकल पेंडुलम मून पे हो, क्योंकि जी मून पर अर्थ के जी से कम है, तो टाइम मून पर अर्थ के टाइम से ज्यादा लगेगा, मतलब अर्थ पर जो टाइम इसको लग रहा है वो कम और वहां पर जो टाइम है ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ पर ये पेंडुलम फास्ट सर्कल कंप्लीट कर रही है, यस, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है अर्थ पर। सो वेलोसिटी ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑन मून। So, जो ज्यादा मासिव प्लैनेट है, जहां पर ग्रेविटी स्ट्रांग है, वहां पर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी पेंडुलम की, वो ज्यादा फास्ट घूमेगी, सेम एंगल पे सेम लेंथ की पेंडुलम सेम रेडियस में फास्ट घूमेगी। ओके, जहां पर ग्रेविटी कम है वहां पर स्लो घूमेगी, बिकॉज टाइम जहां ज्यादा लग रहा है इसका मतलब वहां स्लो है, टाइम जहां कम लग रहा है एक सर्कल को वहां फास्ट है। लेंथ से भी रिलेटेड है, ये भी आपको समझ में आ गया कि अगर लेंथ ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेंथ कम है तो टाइम कम लगेगा बेसिकली, और थीटा से भी रिलेटेड है। ठीक है, ये मुझे डिस्कस करना था बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं एंट्रेंस वगैरह में। ठीक है, सो हमने समझ लिया कि कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, बस बाय द वे आप याद रखना ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, और हमने यहां पर अज्यूम किया है कि ये यूसीएम है, हमने यूसीएम अज्यूम किया है, तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, बॉब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अब हम जो करने जा रहे हैं वो है एक ही बेसिकली डेरिवेशन ऐसा है, एक ही फंडा ऐसा है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि नॉन यूसीएम में है, और वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो सीधी सी बात है जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं वहाँ पर वेलोसिटी कम रहेगी, बिकॉज ऊपर जाने के लिए उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इट विल लूज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एंड इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी, लूजिंग द काइनेटिक एनर्जी इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी, जिसके वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी
अप पे ऊपर पोजीशन पे और नीचे पोजीशन पे ऊपर ज्यादा रहेगी नीचे कम रहेगी, और अल्टीमेटली देयर इज अ डिफरेंस इन वेलोसिटी, इसका मतलब ये नॉन वीसीएम नॉन यूसीएम हो जाएगा, इसको हम वीसीएम भी बोलेंगे बिकॉज इट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन. लेट अस गो ऑन दैट डेरिवेशन. सो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर सर्कुलर मोशन में है. ये स्ट्रिंग है हमारी, ये बॉब है, ये बॉब है. इस पोजीशन पे जब वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे है और उसके पास वेलोसिटी है सम इस डायरेक्शन में वी, फिर अल्टीमेटली वो मूव होते होते इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, फिर रहेगी टेंजेंशियल रहेगी वेलोसिटी, अल्टीमेटली फिर मूव होते होते यहां पर पहुंच जाएगा और यहां पर वेलोसिटी ये डायरेक्शन में रहेगी. यहां पर वेलोसिटी v1 है, यहां वेलोसिटी v2 ले लेते हैं, यहां वेलोसिटी v3 ले लेते हैं. वेलोसिटी तीनों पॉइंट पे अलग है बिकॉज नीचे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी लूज करते जाएगा जैसे ऊपर जा रहा है, बिकॉज ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, काइनेटिक को कम करते जाएगा. अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. तो सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट हो रहा है, इसके ऊपर mv1 स्क्वायर बाय r. ग्रेविटी भी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है mg, और टेंशन स्ट्रिंग में ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है. इतना याद रखना है. यहां पर क्या एक्ट हो रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है mg, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ एक्ट हो रहा है mv2 स्क्वायर बाय r, और ग्रेविटी अंदर एक्ट, टेंशन अंदर एक्ट हो रहा है t. यहां पर टेंशन हम t1 ले लेते हैं, यहां टेंशन t2 ले लेते हैं, बस टेंशन सेम नहीं रहेगा पोजीशंस पे. फिर यहां देखते हैं, यहां पर जो है ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट हो रही है mg, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv3 स्क्वायर बाय r, और टेंशन अंदर की तरफ t. जरा मॉडलिंग करना हम शुरू करते हैं इसकी. सबसे पहली चीज तो ये, जब ऑब्जेक्ट अपर मोस्ट पोजीशन पे है, एकदम अपर मोस्ट पोजीशन पे, उससे पहले कि हम लोग वहां पर जाएं, लेट अस ट्राई टू राइट समथिंग, कुछ इक्वेशंस लिखने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट पोजीशन के लिए इक्वेशन क्या होगा, टेंशन का इक्वेशन कैसा दिखेगा, इट इज t1, क्योंकि T1 ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ दोनों, तो T1 जो है बेसिकली बैलेंस कर रहा है mg और mv1 स्क्वायर बाय r के सम को. तो T1 लिख दिया हमने mg प्लस mv1 स्क्वायर बाय r, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया फर्स्ट पॉइंट के लिए. हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया T2 इज इक्वल टू, देख लीजिए आप ध्यान से, T2 किसको बैलेंस कर रहा है, mv2 स्क्वायर बाय r को, बिकॉज वाई डायरेक्शन में और कोई फोर्स है ही नहीं. और तीसरा हमारा जो है बेसिकली टेंशन तीसरे पॉइंट पर है mv3 स्क्वायर बाय r, जो बाहर की तरफ फोर्स एक्ट हो रहा है, माइनस mg नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, बिकॉज t3 प्लस mg जो है एक डायरेक्शन में है. तो आप चाहो तो t3 प्लस mg भी लिख सकते हो, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि t3 प्लस mg इज इक्वल टू mv3 स्क्वायर बाय r, और अल्टीमेटली अगर आपने mg को यहां पे दिया तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा. हम इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग अपना पहली कंडीशन पुट करते हैं, हमें क्या चाहिए कि जस्ट ये सर्कल कंप्लीट हो. फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल, जो केस हम लेना चाह रहे हैं इसमें, जस्ट सर्कल कंप्लीट होने के लिए मिनिमम वेलोसिटीज क्या होना चाहिए टॉप पर, बॉटम पर और मिड पॉइंट पर. सो क्योंकि हम मिनिमम वेलोसिटीज पता करना चाह रहे हैं, जस्ट कंप्लीटिंग द केस पता करना चाह रहे हैं, तो टॉप पर जस्ट कंप्लीशन के लिए टेंशन जीरो होना चाहिए. अगर टेंशन जीरो है तो जस्ट कंप्लीट होगा, अगर टेंशन जीरो है तो जस्ट ये सर्कल कंप्लीट होगा, और अगर टेंशन फाइनाइट है तो फिर तो बेसिकली सर्कल कंप्लीट होगा ही. लेकिन अगर टेंशन जीरो 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 पहले हो जाए, वहां पर पहुंचने से पहले अगर टेंशन जीरो हो जा रहा है तो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी और गिर जाएगी, बॉब गिर जाएगा बेसिकली, और सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो सर्कल कंप्लीट होने के लिए, फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल,
फॉर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल टेंशन जो टॉप पॉइंट पर है वो जीरो होना चाहिए. एंड देयरफॉर वी कैन से कि एम वी थ्री स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी जो है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि हमें इक्वेशन थ्री से ये चीज मिलती है. तो हम बोल सकते हैं कि एम वी थ्री स्क्वायर बाय आर शुड बी इक्वल टू एम जी. एम और एम को हम कैंसिल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली, वी थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी. तो वी थ्री मिल जाएगा रूट आर जी. मतलब हमें मिल गई कि मिनिमम वेलोसिटी टॉप पर क्या होना चाहिए. देखो हमने एक चीज से दो चीज पता कर ली, सब्स्टिट्यूट किया हमने टेंशन को और हमने v3 पता कर लिया. मतलब हमें मालूम हो गया कि टॉप पर जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल के लिए टॉप पर v3 और टॉप पर t3 क्या होना चाहिए. दो चीज तो हमें आ गई. अब हमें v2 t2 पता करना है, v1 t1 पता करना है. टेंशन एट द टॉप एट द मिड पॉइंट एंड टेंशन एंड वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट एंड टेंशन एंड वेलोसिटी एट द बॉटम. उसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे. तो हमारा पहला पहला पहले पोजीशन पे हम पता करना चाह रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट वन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट टू इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट थ्री. आप बताइए टोटल एनर्जी पॉइंट वन पे क्या है. पॉइंट वन पर जो टोटल एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी, और उसके पास पोटेंशियल तो है नहीं बिकॉज वो बेसिकली काइनेटिक कितनी है, सॉरी काइनेटिक हाफ एम वी वन स्क्वायर है. पॉइंट वन पर जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक है जो कि हाफ एम वी वन स्क्वायर है, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है वी वन, और इसके पास पोटेंशियल नहीं है बिकॉज वो बेस पर है. हम ये अज्यूम करेंगे कि ये डेटम लेवल है, ये बेस लेवल है, यहाँ पर हाइट जीरो है, ये बेस लेवल है, और यहां पर जो है बेसिकली ये टॉप लेवल है और मिड लेवल जो है ये है. सो मिड लेवल की जो हाइट है वो एच आर के बराबर है और जो टॉप लेवल है वहां पर एच हाइट जो है वो टू आर के बराबर है. इसलिए कि पोटेंशियल एनर्जीज पता करना है हमें ये दो पोजीशन पे. सो सेकंड पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी टू स्क्वायर और कुछ पोटेंशियल भी है जो कि होगी एम जी एच, एच की जगह पे आर आएगा. थर्ड पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी थ्री स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी थर्ड पोजीशन पे, एम जी एच यहां पर एच टू आर है, तो इट इज एम जी टू आर. सो देयरफॉर हमें मिलेगा हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी आर इज इक्वल टू हाफ. अभी हमें v3 मालूम है जस्ट कंप्लीटिंग द सर्कल के लिए, हमें मालूम है कितना है ये रूट आर जी, रूट आर जी का स्क्वायर कर दीजिए प्लस टू एम जी आर यहाँ, तो ये हो जाएगा हाफ एम आर जी प्लस टू एम जी आर. हाफ प्लस टू अगर हम करें मतलब एम जी आर को कॉमन लेके अगर हाफ प्लस टू करें तो हाफ प्लस टू कितना होता है, हाफ प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 1 प्लस 4 बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 बाय 2. तो बेसिकली हमें मालूम हो गया कि ये 5 बाय 2 होता है, 5 बाय 2 एम जी आर, और यहां पर वैल्यूज है हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी आर. अब हम इक्वेशंस इक्वेट करेंगे बेसिकली, अब वैल्यूज को इक्वेट करने वाले हम इसको इससे इक्वेट करेंगे और फिर इसको इससे इक्वेट करेंगे और दोनों जगह पे वेलोसिटीज को निकाल लेंगे. देखते हैं कैसे. पहले हमने इक्वेट किया इसको इससे तो हमें मिलेगा हाफ एम वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव बाई टू एम जी आर. अगर हम कैंसिल करें सो ये टू भी कैंसिल होता है, तो देयरफॉर हमें मिलेगा वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव आर जी. Therefore, v1 हो जाएगा अंडर रूट फाइव आर जी. हमें मालूम पड़ गया कि बॉटम पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी चाहिए मिनिमम रूट फाइव आर जी. चलो एक चीज और आ गई. अब हम सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करते हैं जो कि है हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस एम जी आर इज इक्वल टू फाइव बाय टू एम जी आर. So therefore हमें मिलेगा हाफ एम वी टू स्क्वायर
इज इक्वल टू 5/2 एम जी आर माइनस एम जी आर, उसको यहां लेकर आ गए, देयरफॉर हाफ एम वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5/2 - 1 करके देखते हैं, 5/2 - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 - 2/2 3/2 बनेगा, सो अल्टीमेटली ये 3/2 एम जी आर हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, एम और एम कैंसिल हुआ, हमारे हाथ में आया वी टू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आर जी, देयरफॉर हम लिख सकते हैं वी टू इज इक्वल टू √3 आर जी, तो हमारे हाथ में आ गया मिड पोजीशन पे कितनी वेलोसिटी है वो भी आ गई, तीनों पोजीशंस पे वेलोसिटी कितनी है हमें मालूम है, अब तीनों पोजीशन पे टेंशन कितना उसमें से एक जगह तो मालूम है, बाकी दो जगह हम यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पता कर लेंगे, देखते हैं। तो हमने पता किया था कि फर्स्ट पोजीशन पे जो टेंशन है हमारे इक्वेशन वन में देखते हैं, हम इक्वेशन वन है T1 इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी वन स्क्वायर बाय आर, इसी इक्वेशन वन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसकी, तो हमारा इक्वेशन वन हो जाएगा एम जी प्लस एम वी वन स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, एम वी वन का स्क्वायर हो जाएगा √5 आर जी का स्क्वायर, जो 5 आर जी होगा डिवाइडेड बाय आर, कैंसिल करेंगे हम तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे हाथ में आया एम जी प्लस 5 एम जी विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 6 एम जी, थोड़ा टेंशन आ गया इस पोजीशन पे कितना है। अब हम T2 निकालते हैं, T2 क्या होगा, T2 कितना है भाई, T2 है MV2 स्क्वायर बाय R, MV2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आर जी, फिर 3 आर जी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R, R R कैंसिल कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा T2 इज इक्वल टू 3 mg। हमारा काम यही था, हम ये पता करना चाह रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और वो जस्ट सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो उसकी वैल्यूज क्या है, 6 वैल्यूज बेसिकली हमें पता करनी थी। पहले तो हमें पता करनी थी टॉप पर वेलोसिटी, सॉरी बॉटम पे वेलोसिटी कितना है, मिड पोजीशन पे वेलोसिटी कितना है, टॉप पर वेलोसिटी कितना है, और बॉटम पे टेंशन कितना है, मिड पे टेंशन कितना है, टॉप पे टेंशन कितना है, तो हमने पता कर लिया, हमने देखा कि V1 हमें कितना आया, V1 हमें आया है यहां पर, V2 हमें आया यहां पर √5 आर जी, √3 आर जी, और V3 हमें आया यहां पर √R जी, तीनों आ गया √5 आर जी, √3 आर जी और √R जी, तो तीनों को हम यहां डाल देते हैं। टेंशन भी हमने तीनों पोजीशन पे पता की है, दो तो यहां ही मौजूद है, ये और ये, तो 6 mg, 3 mg, और थर्ड पोजीशन पे जो टेंशन था वो हमने अज्यूम किया था बिकॉज जस्ट सर्कल कंप्लीट होना है तो टेंशन जीरो होना चाहिए, T3 = 0, तो हमने जीरो ले लिया। तो ये हमारी 6 वैल्यूज है जो हमको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये किसके लिए, दिस इज फॉर टॉप, ये दोनों वैल्यूज बेसिकली टॉप के लिए है, सॉरी बॉटम पोजीशन के लिए, बॉटम, ये दोनों वैल्यूज मिड पोजीशन के लिए है, और ये दोनों वैल्यूज टॉप पोजीशन के लिए, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, सब में बहुत इसका यूज है। ओके, अब चलते हैं हम एक और कंसेप्ट की तरफ जो है कॉन्वेक्स ब्रिज। चलिए कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, फंडा ये है कि आपके पास आप एक बेसिकली ओवर ब्रिज पे, ओवर ब्रिज ये होती है, अंडर ब्रिज बेसिकली ऐसी होती है, गाड़ी ऐसे जा रही है, यहां पर ऊपर चढ़ रही है गाड़ी, तो ओवर ब्रिज में और अंडर ब्रिज में बहुत फर्क है।
सेफ्टी के लिहाज से वो अंडरग्रिड ज्यादा अच्छी होती है बेसिकली। वो कोई वहां पर बेसिकली नॉर्मल जो है सब बैलेंस कर देता है, हर चीज हो जाती है वहां पर, क्योंकि वहां पर बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में और यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, दोनों में बहुत फर्क है। मैं उसकी डिटेल्स में जाऊंगा नहीं अभी क्योंकि वो है भी नहीं। आप सिर्फ हम लोग कॉन्वेक्स ब्रिज को, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास, ये हमारी गाड़ी है, ठीक उसके ऊपर हम जा रहे हैं, अभी ब्रिज के ऊपर है हम। ब्रिज का जो रेडियस है वो आर है, गाड़ी की वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी है। क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इसके ऊपर? पहले तो नीचे की तरफ वेट एक्ट हो रहा है, mg। अब ऊपर की तरफ नॉर्मल भी एक्ट होगा बिकॉज सरफेस को जो है ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सरफेस अपना नॉर्मल देगा, रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा, सरफेस नॉर्मल दे रहा है। और क्या एक्ट हो रहा है बाहर की तरफ? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो एक्ट होगा, अब जरा हम इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। क्योंकि जो फोर्सेस बाहर की तरफ एक्ट हो रहे हैं वो है एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस नॉर्मल, ये मिलाकर इक्वल होना चाहिए एम जी के, तो यहां से हमको नॉर्मल आ जाता है। नॉर्मल हो जाएगा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। इसको देख के आप समझ सकते हो एक चीज कि नॉर्मल अगर जीरो हो गया ना तो ये गाड़ी सेफ नहीं है। क्यों? अगर नॉर्मल जीरो हो गया तो वही मैक्सिमम लिमिट है, क्योंकि उसके बाद अगर एम बी स्क्वायर बाय आर एम जी से ज्यादा हो गया तो फिर ये नॉर्मल दे नहीं पाएगा। क्योंकि अगर एम बी स्क्वायर बाय आर एम जी से ज्यादा हो गया तो नॉर्मल नेगेटिव हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर, इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं दे पाएगा और गाड़ी जो है बेसिकली फ्लाई ऑफ हो जाएगी। अगर ज्यादा स्पीड हो गई तो ये फोर्स एक्सीड कर जाएगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से एक्सीड कर जाएगा और गाड़ी फ्लाई ऑफ हो जाएगी, निकल जाएगी सर्कल को छोड़ के, ठीक है? मतलब जो टायर है वो रोड को छोड़ सकता है, हम वो चाहते नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी स्पीड उसके नीचे रहे, तो हम जो ये निकाल रहे हैं मैक्सिमम स्पीड है, इसके ऊपर अगर आप स्पीड लेके गए तो आपको खतरा है। तो हमने क्या करना है, नॉर्मल को इक्वेट करना है जीरो से मैक्सिमम नॉर्मल जीरो होगा, तो वहां पर एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर जीरो हो जाएगा। देयरफॉर हमें मिलेगा एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। mm कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी, जहां से हमें मिलेगा v इज इक्वल टू रूट आर जी। अब ये जो स्पीड हमें मिली है v इज इक्वल टू रूट आर जी, ये हमारी मैक्सिमम सेफ स्पीड है। देखो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को मैच कर रहा है, टॉप पर जो स्पीड थी मगर वहां पर वो मिनिमम है और यहां पर ये मैक्सिमम है, दोनों में बहुत फर्क है। ओके सो मैक्सिमम सेफ स्पीड, हमारी स्पीड जो भी होगी वो इससे इसके अंदर रहना चाहिए, हमारी स्पीड शुड बी लेस देन और इक्वल टू वी मैक्स। इससे अगर ज्यादा हुई तो हमारी गाड़ी को खतरा है, हमारी गाड़ी जो है टायर छोड़ सकता है रोड को, ये होना नहीं चाहिए। इसके लिए इसकी भी एक, इस रोड पर भी एक मैक्सिमम सेफ स्पीड होती है, उसके ऊपर अगर आपने चलाया तो खतरा है आपकी गाड़ी पे। ओके जो कि फ्रिक्शन से भी इंडिपेंडेंट है, हमने यहाँ पर फ्रिक्शन को कंसिडर भी नहीं किया है। ओके ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं यहाँ पर कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज से, और हमारा सर्कुलर मोशन का पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब हम अगले लेक्चर से रोटेशनल मोशन पे जाएंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट ऑफ दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बाकी कंसेप्ट हम समझेंगे कैसे रोटेशन होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट के पास दो टाइप की काइनेटिक एनर्जी होती है, टॉर्क का क्या रोल है और सारी चीज़ें। बैले डांसर डांस करती है तो जब वो अपने हाथ को करीब लेती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, हाथ को दूर करती है स्पीड कम हो जाती है, ये सब कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि फिजिक्स बेसिकली ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, सब फिजिकल है। ओके तो आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू।